हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2019। देखिए 9 जून दोस्तों हो चुकी है, आज 10 जून है, और 10 जून की लेटेस्ट अपडेट क्या है आवश्यक सूचना के साथ में कई सारी लेटेस्ट अपडेट हैं। और बाकी जो आपकी कमेंट्स हैं उनके रिप्लाइज़ मैं कंटिन्यू आप लोगों को दे ही रहा हूँ। बाकी कोई जो कमेंट छूट जाती है तो परेशान ना हुआ करें, उनको भी रिप्लाई मैं दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे राउंड सेकंड की, जो काउंसलिंग है उसकी डेट क्या है, कब से काउंसलिंग का प्रोसेस कब से कब तक चलेगा, और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग रह गए हैं राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग नहीं करा पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उन्हें क्या करना है, ठीक है, वो पूल काउंसलिंग कब से करवा पाएंगे, तो इसके लिए देखिए इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिए। लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो बीएड में, देखिए लेटेस्ट अपडेट आज की ये है कि बीएड में प्रवेश नहीं ले सकेंगे हजारों अभ्यर्थी। तो क्यों नहीं ले सकेंगे, रीज़न क्या है, आज की लेटेस्ट अपडेट ये है। तो सारी इसी में सारी बातें करने वाले हैं, सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो भी आपका इसमें रिप्लाई आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन को दबा लें और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको बीएड से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, पहले उनके लिए जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, या राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, राउंड सेकंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, तो उनकी डेट कब से स्टार्ट होती है और कब तक काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका राउंड फर्स्ट का जो काउंसलिंग होना था वो रैंक एक से लेकर के 212,000 तक के छात्रों की जो रैंक थी उनका राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग होनी थी, और जो इसका एंड प्रोसेस है वो 18 जून तक चलने वाला है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राउंड सेकंड की काउंसलिंग के लिए, तो राउंड सेकंड की काउंसलिंग के लिए जो 212,000 से एक रैंक से स्टार्ट होने वाले, जिनकी रैंक 212,000 एक से स्टार्ट हो रही है, या एंड की कोई भी है, 4 लाख है या 3 लाख है या 2.5 लाख है, कितनी भी है, वो इसमें एलिजिबल होंगे, राउंड सेकंड की काउंसलिंग करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए 13 जून यहाँ पर दिया गया है, थर्सडे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और ये 3 दिन का आपको मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, 13, 14 और 15, ठीक है। तो 3 3 दिन का मौका दिया जा रहा है, 16, 17 और 18 को इनका जो कि काउंसलिंग होनी है, यानी कॉलेज प्रेफरेंस रिकाउंसलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब फिर से कॉलेज प्रेफरेंस होगा इन्हीं का, जो ये राउंड सेकंड वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे कि जो लोग राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में छूट गए हैं, नहीं करवा पाए हैं, तो उनके लिए पूल काउंसलिंग, देखिए पूल काउंसलिंग है, तो पूल काउंसलिंग कैसे आप लोग करवा सकते हैं, कब से करवा पाएंगे दोस्तों, जब जब राउंड सेकंड की काउंसलिंग एंड हो जाएगी तो 27 जून से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं पूल काउंसलिंग के। जो लोग इच्छुक हैं बीएड करने के लिए, देखिए प्राइवेट कॉलेज, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कोई भी सीट खाली रहती है तो मिल पाएगी, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्सडे से यानी 27 जून से आप लोगों का यहाँ से रजिस्ट्रेशन पूल काउंसलिंग जो करवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर 27 जून से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपका राउंड सेकेंड का चलने वाला है ये 28 जून तक चलेगा, प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा। अच्छा तो ये आपने देख लिया, आप चलते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है आज की। दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि बोला गया है कि बीएड में प्रवेश नहीं ले सकेंगे हजारों छात्र अभ्यर्थी छात्र छात्राएं। क्यों नहीं ले सकेंगे, रीज़न क्या है। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, और कई विश्वविद्यालय ने अब तक नहीं जारी किया है मुख्य परीक्षा का परिणाम। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में 16 विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं वो हुए थे शामिल, ठीक है, यानी 16 विश्वविद्यालय हैं जिनके छात्र छात्राएं इस बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। चलिए तो देख लेते हैं डिटेल्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर पहले इसको देख लेंगे क्या रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है रिजल्ट घोषित भी हो जाए लेकिन अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है कि रिजल्ट घोषित भी हो जाए लेकिन अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल है। क्यों भाई ऐसा क्यों है, बीएड की काउंसलिंग का अभी पहला चरण रहा है, मतलब पहला चरण आपका कंप्लीट हुआ है जिसका 18 जून से दूसरा चरण, और फिर यहाँ पर 13 होगा, 13 जून से दूसरा चरण, और फिर जुलाई में पूल काउंसलिंग, ठीक है, मतलब जुलाई तक पूल काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। इस बीच ये विश्वविद्यालय अगर परीक्षा परिणाम जारी भी कर दें तो इन छात्र छात्रों को छात्र छात्राओं को इनका लाभ मिलना क्या हो जाएगा, इसका लाभ जो है, मतलब बोले तो जैसे लेट हो गए,
पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, पूल काउंसलिंग में जो सीटें बचती हैं वही मिलती हैं। तो अगर इनमें से छात्र छात्राएं ये सोच रहे होंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो उन्हें परेशानी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट कॉलेज यानी उसका लाभ नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सरकारी और एडेड कॉलेज जो हैं वो सिर्फ 75,000 सीटें, सॉरी 7,500 सीटें हैं, ठीक है, जो पहले ही दिन भर चुकी हैं, जो पहले दिन भर चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, बरेली केंद्रीय विश्वविद्यालय का अब तक रिजल्ट घोषित ना होने के कारण हजारों छात्र छात्राएं जो बीएड में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के साथ ही इन छात्र छात्राओं ने बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया था, अब बीएड में उन्हें अच्छी रैंक मिल गई है, लेकिन विश्वविद्यालय का परीक्षा फल जो है वो घोषित ना होने से उनका प्रवेश लटक गया है, ठीक है। इस बार बीएड की जो राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी रोहिलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी, इस प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में 16 विश्वविद्यालय हैं उनके लगभग 5,66,399 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, ठीक है। इनमें से तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस साल स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी। ये अभ्यर्थी इस उम्मीद में बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे कि काउंसलिंग होने तक संबंधित विश्वविद्यालय उनका परीक्षा परिणाम जो है वो समय से घोषित कर देगा, मगर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अब तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं रैंक जारी होने के बाद बृहस्पतिवार से काउंसलिंग शुरू कर दी गई, ऐसे में इन छात्र छात्राओं का जो बीएड में प्रवेश फंस गया है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट होना जरूरी है। परेशान छात्र छात्राएं बीएड हेल्पलाइन पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों, ये आज की पूरी अपडेट थी, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे उन लोगों की जो लोग काउंसलिंग करा चुके हैं राउंड फर्स्ट में और कॉलेज भी उन्होंने चूज़ किए हैं, अब उनका माइंड जो है वो चेंज हो गया है, वो चाहते हैं कि अब बीएड में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, अब हम बीएड नहीं करना चाहते हैं। तो बीएड नहीं करना चाहते हैं तो उन्होंने कमेंट ये करी हुई है कि हमने काउंसलिंग तो करा ली है, लेकिन हम अगर एडमिशन नहीं लेते हैं और हमें कॉलेज मिल जाता है तो हमारी क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी। दोस्तों, अगर आपने कॉलेज प्रेफरेंस दिया हुआ है और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होनी है, रिफ़ंड नहीं होनी है। साफ साफ मैं पहले भी जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको रीड करवा चुका हूँ, पहले भी सब सारा डिटेल में मैंने सारी वीडियोस में प्रॉपरली बना रहा हूँ, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी, तो उनमें सभी डिटेल में देखिए सब कुछ मैंने जो है वो कुछ फेक नहीं है, सारा रियल है, जो भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से रिलेटेड है वो सब मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए अगर आपने 5,750 रुपये लगाए, देखिए काउंसलिंग फ़ीस तो वापस नहीं होनी है, काउंसलिंग फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, लेकिन जो 5,000 आपने जो कॉलेज का एडवांस फ़ीस दिया हुआ है वो आपका रिटर्न नहीं होगा अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आपने कॉलेजेस चूज़ किए हैं और कॉलेजेस चूज़ करने के बाद में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप अपनी जो फीस है वो आप रिफ़ंड पा सकते हैं, उसके लिए आपसे अकाउंट की सारी डिटेल ले ली गई है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, उनकी बात करेंगे जिनकी फ़ीस पेमेंट हो चुकी है लेकिन अपडेट नहीं हुई है, कॉलेज प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, साइड में बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी कभी दिन में साइड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, इस वजह से उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो पा रही है अच्छे से, और जिनकी पेमेंट फंस गई है वो परेशान ना हो। देखिए, कुछ समय तक का वेट कर लिया करें, अपना लॉगिन को लॉगआउट कर लें, लॉगआउट करने के बाद में कुछ देर वेट कर लें, 15-20 मिनट वेट कर लें, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करेंगे, आपकी जो फ़ीस है वो अपडेट हो जाएगी। फ़ीस अपडेट होने के बाद में जो आपका कॉलेज प्रेफरेंस वाला पेज है वो भी आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिससे कि आप कॉलेज प्रेफरेंस दे पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली अपडेट में बताया हुआ था कि जिनकी ये थोड़ी सी समस्या आ रही है, ये विश्वविद्यालय बोर्ड ने भी कहा हुआ है कि ऐसी समस्या आ रही है कि
पेमेंट हो जाने के बाद में वो शो नहीं करती है, पेमेंट आपकी हो चुकी है ऐसा नहीं शो हो रहा है, और या फिर कुछ लोगों को ओटीपी नहीं आ रहा है तो सबमिट नहीं हो पा रही थी, तो ये सारी कई समस्याएं पहले हुई हैं राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में भी होने वाली हैं, तो आराम से करें, नहीं हो रहा है प्रोसेस थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद में फिर ट्राई करें, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी, आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक किया करें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं कि हमें भी अच्छा लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रही है वीडियो आपको। साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर किया करें वीडियो को, जिससे कि और भी लोग जो आपके भाई बहन हैं जो बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो उनको वीडियो जरूर ये शेयर करें जो काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को, मिलते हैं वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं वीडियो में।